आज भी कितने लोग हैं जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। तो कल्पना कीजिए वह समय जब देश पर अंग्रेजों का एक छत्र राज्य था। वे देश की मासूम जनता को कोड़ों से पीटते और अपने बूटों तले रौंदते। लोग चुपचाप अन्याय सहते और मूक दर्शक बनकर दूसरों पर होते अत्याचार देखते। उस समय उदय हुआ एक ऐसे महान क्रांतिकारी का जिसने अंजाम की परवाह किए बिना अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किया। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसकी भुजाओं में इतना दमखम था कि उसने एक बंगाली बाघ को भी चारों खाने चित कर दिया था। एक ऐसा क्रांतिकारी जो अकेला निहत्था अन्यायी अंग्रेजों के झुंड से भिड़ जाता और उनकी जमकर पिटाई करता। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसकी योजना अगर सफल हो जाती तो देश 1915 में ही आज़ाद हो गया। यह कहानी है एक ऐसे महावीर बलिदानी की जिसकी साहस व वीरता की हैरतअंगेज कहानी सुनकर आप उनके प्रति असीम श्रद्धा की भावना से भर उठेंगे। महान क्रांतिकारी बाघा जतिन का जन्म 7 दिसंबर 1879 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री उमेश चंद्र मुखर्जी व माता का नाम शरद शशि था। बाघा जतिन का वास्तविक नाम जतींद्रनाथ था, जो शाब्दिक अर्थ के रूप में ज्योतींद्रनाथ से संयुक्त है। जतींद्रनाथ का जन्म उनके मामा के आवास पर काया ग्राम की कुश्तिया उप तहसील में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान बांग्लादेश में है। जतिन के पिता उमेश चंद्र जी भी सच्चे राष्ट्रभक्त व आध्यात्मिक व्यक्ति थे, किंतु असमय ही वर्ष 1884 में उनका निधन हो गया। इस समय जतिन की उम्र महज 5 वर्ष की ही थी। बाघा जतिन की एक बहन भी थी जिनका नाम विनोद बाला था, जो उनसे लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। पिता के निधन के पश्चात माता शरद शशि अपने बच्चों के साथ अपने भाई के साथ उनके पुश्तैनी आवास में रहने लगी। जतिन के एक मामा बसंत कुमार कृष्णनगर में सरकारी वकील व विधि महाविद्यालय के प्राध्यापक भी थे। इस कारण उनका परिवार आर्थिक व सामाजिक रूप से काफ़ी प्रतिष्ठित था। मामा बसंत कुमार ने जतिन व विनोद बाला दोनों की ही परवरिश पर पर्याप्त ध्यान दिया। जब जतिन 9 वर्ष के हुए तो उन्होंने उनका दाखिला कृष्णनगर के एंग्लो वर्नाक्युलर विद्यालय में करवा दिया। जतिन की माँ भी एक प्रतिभाशाली महिला थी। वे एक दक्ष कवित्री थी और उन्हें बांग्ला साहित्य का भी अच्छा ज्ञान था। एक माता के तौर पर उन्होंने बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार की बात है कि बालक जतिन घबराए हुए दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ को पता चला कि घबराहट का कारण घर के बाहर खड़ा एक कुत्ता है। तब माता ने जतिन को एक जलती हुई लकड़ी दी और कहा, जाओ कुत्ते को खदेड़ कर आओ। जतिन अपनी माता के इस व्यवहार से स्तब्ध था, किंतु फिर भी वह अब जलती हुई लकड़ी लेकर कुत्ते की ओर दौड़ पड़ा। ऐसा देख वहां से कुत्ता भाग खड़ा हुआ। तब माँ ने पुत्र से कहा, मुझे कायर पुत्रों से नफरत है। इस संबंध में उनकी बहन विनोद बाला ने लिखा था, मैंने पहली और अंतिम बार अपने भाई को किसी भी चीज़ से घबराते हुए तभी देखा। एक अन्य घटना के अनुसार एक पड़ोसी ने जतिन की माँ से शिकायत की कि उसने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। तब माँ ने इस बारे में जतिन से पूछताछ की। जतिन ने इस बात को स्वीकारा कि उसने उन शब्दों का प्रयोग किया जिसे उसने किसी अन्य स्थान पर सुना था। तब माँ ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम भूल गए कि तुम किसके पुत्र हो? क्या तुम उनकी स्मृतियों को नष्ट कर देना चाहते हो? इस तरह जतिन की माँ ने उन्हें उच्च संस्कार दिए। माता द्वारा अपने बच्चों को भगवद गीता, महाभारत जैसे महान ग्रंथों का भी ज्ञान प्रदान किया जाता। माता ने जतिन को केवल धार्मिक व नैतिक शिक्षाएँ ही प्रदान नहीं की, अपितु उन्होंने उन्हें उस समय के अत्याचारी समाज का सामना करने हेतु उनके अंदर निर्भीकता व निडरता का भी विकास किया। माँ द्वारा अपने बच्चों को गोराई मधुमती नदी में डुबकी लगाने के लिए ले जाया जाता था। माता के द्वारा अपनी साड़ी का एक छोर जतिन की कमर से बांधा जाता और फिर उसे उठाकर नदी के प्रवाह में फेंक दिया जाता। जब आसपास के लोग ऐसा होते देखते तो वे माँ का विरोध करते। वे कहते कि तुम क्यों अपने बच्चे के प्राण जोखिम में डाल रही हो।
लेकिन माँ इन बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनका मानना था कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए बालक के मन से मौत का खौफ निकालना अत्यंत आवश्यक है और इससे उसके अंदर भगवान के प्रति समर्पण का भाव जागृत होगा। इस तरह बचपन से ही माँ ने जतिन के हृदय से मौत का खौफ निकालकर उसे वीरता व बहादुरी के जज्बे से लवरेज कर दिया था और जो भविष्य में लोगों को अपने कारनामों से स्तब्ध कर देने वाला था। एक बार की घटना है कि एक बेकाबू घोड़ा रास्ते पर दौड़ा आ रहा था। एक बच्चा उसकी राह में निरुपाय होकर रो रहा था। जब जतिन ने यह देखा तो बिना एक पल गवाए अपनी कमर पर हाथ रखकर घोड़े के सामने खड़ा हो गया। आसपास के लोग इस घटना को हैरत से देख रहे थे। बेकाबू घोड़े के करीब पहुंचते ही जतिन ने बिना कोई गलती किए हुए घोड़े की गर्दन को थामते हुए उसकी पीठ पर चढ़कर घोड़े को शांत किया। तभी घोड़े को चलाने वाला भी वहां आ गया। यह घोड़ा बनारसी राय नाम के वकील के अस्तबल से भाग आया था। जतिन धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। बंगाल की सुप्रसिद्ध दुर्गा पूजा में वे अपने मित्रों के साथ हजारों अतिथियों को भोजन कराते थे। दुर्गा पूजा के दौरान शारीरिक कौशल के खेलों का भी आयोजन होता था। जतिन द्वारा नौका चालन प्रतियोगिता में भाग लिया जाता और पहलवानों के साथ कुश्ती भी लड़ी जाती। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता जिसमें पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटकों का भी आयोजन किया जाता। बिल्वा मंगल, सीता त्याग, हरीशचंद्र, प्रतापादित्य इत्यादि नाटक खेले जाते थे। जतिन ने प्रतापादित्य राणा प्रताप की भूमिका में दर्शकों को काफ़ी प्रभावित किया था। प्रारंभिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात जतिन अपनी बहन के साथ कृष्णनगर से कलकत्ता रवाना हो गए ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जतिन ने कलकत्ता के सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया जिसे आज खुदीराम बोस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता में उस दौर में दो महान हस्तियां भी निवास करती थीं। वे थे रवींद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। जब बंगाल में हैजा का प्रकोप फैला तो जतिन ने हैजा पीड़ितों की सहायता की। उस समय रामकृष्ण संस्थान भी सेवा में लगा हुआ था। इसी संस्थान के आखा नंदन जतिन के सेवा कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें स्वामी विवेकानंद के पास ले गए। जतिन स्वामी विवेकानंद से बड़े प्रभावित हुए। जब बंगाल में 1898 में पुनः प्लेग अर्थात हैजा फैला तो जतिन स्वामी विवेकानंद की आयरिश मूल की शिष्या सिस्टर निवेदिता से मिले और उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर सेवा कार्य किए। स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आने के पश्चात जतिन मातृभूमि की आज़ादी हेतु संघर्ष हेतु भी प्रेरित हुए। स्वामी जी ने उन्हें सर हिराम मैक्सिम से भी मिलने को कहा जो हथियारों के विशेषज्ञ थे। उसका मानना था कि भारत को क्रांति के लिए बंदूकों की नहीं बल्कि बमों की आवश्यकता है। वे पहली ऑटोमेटिक मशीन गन मैक्सिम के निर्माता थे। स्वामी विवेकानंद ने जतिन को यह भी परामर्श दिया कि वे अंबू गुहा के अखाड़े में आत्मरक्षा हेतु अधिक चुस्ती फुर्ती के सबक हासिल करें। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी अखाड़े में परंपरागत कुश्ती का अभ्यास किया था। जतिन के जहन में क्रांति को लेकर बड़ी ही विस्तृत व दूरदर्शी योजना थी। कलकत्ता में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही उन्होंने व्यवसाय के संदर्भ में सोचना आरंभ कर दिया था। इसके लिए वे एटकिंसन द्वारा स्टेनोटाइपिंग का कार्य सीखने लगे थे। इससे पहले कि वह क्रांति में कूदते वे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। एक दिन की बात है, जतिन एटकिंसन के आवास पर मौजूद थे। खिड़की से बाहर उन्होंने झांका तो पाया कि एक विक्रेता ने एक विनम्र बंगाली युवा को गले से पकड़ रखा था। भीड़ मूक दर्शक की तरह यह सब देख रही थी। वहां हुआ कुछ यूं था कि एक बंगाली युवक विद्यालय जाने की जल्दबाजी के कारण विक्रेता के ठेले से टकरा कर उसकी मूंगफलियों को बिखरा दिया था। विनम्र बंगाली युवक बिखरी हुई मूंगफली का कई गुना मूल्य भी देने को तैयार था, किंतु विक्रेता अपने लालच के कारण और ज़्यादा से ज़्यादा धन वसूलना चाहता था। जतिन ने जब इसका विरोध किया तो वह उन पर भी बिफर पड़ा। जतिन ने उस घमंडी विक्रेता को ज़मीन पर धराशायी कर दिया। उसी समय एक अंग्रेज सेनाधिकारी विलियम उधर से गुजरा। उस अंग्रेज को यह बर्दाश्त ना हुआ कि कोई काला व्यक्ति इस तरह से किसी को सबक सिखाए। उसने पीछे से जतिन को जोर की लात मारी।
जतिन ने पीछे मुड़कर उस अंग्रेज से पूछा कि उसने उसे लात क्यों मारी। उस अंग्रेज को यह बर्दाश्त ना हुआ कि कोई काला व्यक्ति उससे जबान लड़ाने की हिमाकत करे। उसने अपना चाबुक निकालकर जतिन को दे मारा। जतिन ने चाबुक पकड़ लिया और दो चार जोरदार घूंसों से उस अंग्रेज को धरती पर लिटा दिया। उसके चेहरे से खून बहने लगा। जतिन ने एक गाड़ी रुकवाई और उस पर अंग्रेज को बिठाकर हिदायत दी कि आइंदा से मामले को जाने बिना लोगों पर अपना इंसाफ थोपने की हिमाकत ना करे। उच्च शिक्षा प्राप्ति के दौरान वार्षिक परीक्षा के कुछ समय पूर्व ही अचानक जतिन ने विद्यालय छोड़ दिया और बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी के सचिव के रूप में कार्य करने लगे। वर्ष 1899 में जतिन की माता भी प्लेग महामारी की चपेट में आ गईं। जतिन माँ से मिलने कलकत्ता से काया ग्राम के लिए रवाना हुए। माँ की हालत में कोई सुधार न हुआ और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु से जतिन व उनकी बहन विनोद बाला को बड़ा गहरा आघात लगा। माँ ने अपने बच्चों से अंतिम शब्द कहे थे, आदर्श के लिए जिंदगी कुर्बान होनी चाहिए। जतिन की माँ के प्रयासों का ही नतीजा था कि जतिन शरीर से बाघ जैसे शक्तिशाली व मानसिक रूप से भी सबल युवक बनकर उभरे थे। जतिन को श्रीमद् भगवद गीता से भी बड़ा लगाव था। जब भी वे उलझन में होते तो अपने सवालों के जवाब गीता में खोजते। माता के निधन के पश्चात विनोद बाला ने अपने भाई जतिन को बताया कि उनकी माँ की अंतिम इच्छा थी कि उनका विवाह इंदु बाला नाम की युवती से हो। माँ की अंतिम इच्छा को पूरी करने हेतु अप्रैल 1900 में जतिन का विवाह इंदु बाला से संपन्न हुआ। जतिन व इंदु बाला के कुल 4 बच्चे हुए थे, एक पुत्री व 3 पुत्र। अगस्त 1903 में बैरिस्टर कैनेडी के घनिष्ठ मित्र व्हीलर ने बंगाल सचिवालय में जतिन को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया। कैनेडी ने व्हीलर को बताया कि वह एक योग्य युवा है और वे वित्त सचिव के पद के लिए उपयुक्त हैं। व्हीलर जतिन के व्यक्तित्व व उनकी कार्य दक्षता से काफी प्रभावित थे। जतिन एक प्रतिभावान व्यक्ति के साथ अपने उच्च आदर्शों के भी पक्के थे। एक बार की बात है, जब जतिन अभी नए नए सचिव बने थे, गवर्नर अपने कर्मचारियों के साथ रांची से हजारीबाग के दौरे पर गए। जतिन ने मजदूरों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी में बैठने से इनकार कर दिया। उन्हें यह बड़ा ही अमानवीय व अजीब कृत्य लगता था कि एक आदमी दूसरे आदमी को ढो रहा है। उन्होंने ये पूरा रास्ता पैदल ही पार किया। इस दरमियान वे पालकी उठाने वाले मजदूरों से बात करते रहे। वर्ष 1902 के करीब गुप्त क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। इसके 2 मुख्य रूप ढाका अनुशीलन समिति व युगांतर थे। क्रांतिकारियों ने मूलतः 1900 से ही अपनी गतिविधियों का संचालन शुरू कर दिया था और बंगाल के लगभग सभी जिलों में अपनी शाखाएं स्थापित कर ली थी। कुश्तिया ग्राम में इसका नेतृत्व गुप्त रूप से जतिन स्वयं कर रहे थे। वर्ष 1903 में जतिन की श्री अरविंदो घोष से मुलाकात हुई। जतिन ने उनके सहयोगी के रूप में कार्य करने का निश्चय किया। जतिन इस समय एक दोहरी भूमिका निभा रहे थे। वे ब्रिटिश सरकार में थे, किंतु उनका असली मकसद देश को स्वतंत्र कराना था। उनका जोर इस बात पर था कि वे ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के संघर्ष हेतु प्रेरित करें। जुलाई वर्ष 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिस कारण पूरे बंगाल में आक्रोश की लहर दौड़ उठी। उस समय वेल्स के राजकुमार ने भारत का दौरा किया। वह इंग्लैंड का भावी सम्राट था। जिस समय शाही जुलूस गुजर रहा था, उस समय वहां जतिन भी मौजूद थे। शाही बग्घी उस समय जतिन से कुछ ही दूरी पर थी। तभी जतिन ने देखा कुछ अंग्रेजी युवक वहां पर उपस्थित महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं। जतिन ने उनसे आग्रह किया कि वे लोग महिलाओं को छोड़कर अलग हट जाएं, लेकिन प्रत्युत्तर में उनके द्वारा जतिन व महिलाओं पर असभ्य टिप्पणियाँ की गईं। अब जतिन समझ गए कि ये लोग बातों की भाषा नहीं समझेंगे। तब जतिन ने उन अंग्रेजों को जोरदार तमाचे रसीद दिए। एक एक करके जतिन ने उन सभी को धराशायी कर दिया। वहां उपस्थित लोगों द्वारा जतिन की प्रशंसा की गई।
वेल्स के राजकुमार ने भी इस मंजर को अपनी आंखों से देखा था। इन निडरतापूर्ण कार्यों से एक बात तो स्पष्ट है कि जतिन किसी भी कीमत पर अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना थे। वेल्स के राजकुमार के दौरे के बाद वर्ष 1906 में बंगाल में फिर प्लेग फैला। उस समय जतिन के पहले पुत्र की उम्र मात्र 2 वर्ष थी, वह भी प्लेग का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु पर जतिन अंदर से टूट गए। वे इतने अधीर हो उठे कि वे अपने बचपन के मित्र कुंजनलाल के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय के शांतिपूर्ण वातावरण में भी वे हृदय की पीड़ा को सह नहीं पा रहे थे, किंतु समय का मरहम धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। उन्होंने भी खुद को धीरे धीरे ढांढस बंधाया, और क्योंकि भारत माँ की आज़ादी का जो स्वप्न उन्होंने मन में संजोया था वह अब भी अधूरा था, अतः हिमालय भी ज़्यादा समय तक उन्हें वहाँ रोक न सका। वे लौट आए। 10 अप्रैल 1906 की बात है। प्रातःकाल जतिन अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी ग्रामीणों का एक समूह चलकर उनके पास आया। उन्होंने जतिन को बताया कि उनके गांव में एक खतरनाक जानवर जो बाघ जैसा दिखता है, वह आतंक मचाए हुए हैं। जतिन को उत्सुकता हुई कि बाघ जैसा दिखने वाला हिंसक पशु कौन सा है। उन्होंने अपनी खुखरी ली और गाँव वालों के साथ पशु की तलाश में चल पड़े। विनोद बाला ने उन्हें बीच में रोका और कहा कि वह राइफल लेकर जाएं, पर जतिन ने कहा कि पशु की टोह लेने के बाद वह राइफल ले जाएंगे। जतिन के 2 भतीजे फड़ी व अमूल्य भी एयर गन लेकर जतिन के साथ हो लिए। जतिन व गांव वालों ने गन्ने की फसल में खड़बड़ाने की आवाज़ सुनी। जतिन ने जब अंदर झांका तो पाया कि वहाँ एक बंगाल टाइगर बैठा था। गाँव वाले बंगाल टाइगर को सामने देख कर भयभीत थे। तभी जतिन के भतीजे ने एयरगन चला दी। बाघ एयरगन की आवाज़ सुनकर दहाड़ उठा और गोली की दिशा में झपट गई। जतिन ने जल्दी से अपने भतीजों को एक तरफ किया और हाथ में कुकरी लेकर बाघ के सामने आ गया। बाघ जतिन पर झपटा। जतिन को बाघ के पंजों की कई खरोंचे लगी। जतिन ने शीघ्रता से बाघ की गर्दन पकड़ ली और फिर तेजी से अपनी खुखरी से उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। यह बड़ा ही हैरतअंगेज नज़ारा था। कुछ गांव वाले दुम दबाकर भाग चुके थे और कुछ चुपचाप दूर से मूक दर्शक की तरह हैरतअंगेज दृश्य देख रहे थे। जतिन और बाघ की लड़ाई में कई बार ऐसा लगा कि माने जतिन का यह अंतिम है, किंतु अंत में जतिन ने अपनी बची हुई सारी शक्ति बटोरी और खुखरी को बाघ के गले में घुसा दिया और इस तरह बाघ ढेर हो गया। तभी वहां भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने पहले से मरे हुए बाघ पर गोली चलाई। तब जतिन ने मजाक में कहा, गोली दाग कर तुमने चीते की खाल खराब कर दी। इस घटना के बाद से ही जतिन का नाम बाघा जतिन पड़ गया। बाघ से लड़ाई के दौरान जतिन बुरी तरह घायल हो गए थे। कुछ लोग तो मान बैठे थे कि अब वह बच न सकेंगे। शल्य चिकित्सक सुरेश सर्वाधिकारी ने उनके इलाज का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे जतिन की हालत में सुधार हुआ और वह बैसाखी की सहायता से कुछ ही महीनों में चलने भी लगे। जतिन के लिए अब आराम के ज़्यादा दिन शेष न थे। मातृभूमि उन्हें पुकार रही थी। आराम करते हुए वे क्रांति की योजनाओं का विचार कर रहे थे। 1905 के आखिरी दौर तक श्री अरविंदो ने भवानी माता के मंदिर पर आज़ादी प्राप्त करने की घोषणा की। उन्होंने स्वराज के रूप में निजी प्रांतीय सरकार के आंदोलन को हवा दी। अपनी रचना आनंद मठ के माध्यम से बंकिम चंद चटर्जी ने भी मातृभूमि की सेवा हेतु नौजवानों का आह्वान किया। केंद्रीय CID के अधिकारी डेनहम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इश्तहारी कागजों में यह स्पष्ट लिखा था कि जुगांतर में शक्तिशाली मांस परोसा जाएगा। जुगांतर की भाषा कूट थी और उसके द्वारा युवाओं का आह्वान किया जाता था। 1906 में डेनहम ने पुनः रिपोर्ट में बताया, जुगांतर का प्रकाशन बरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, जतीन्द्र नाथ व अन्य लोगों की सहमति के पश्चात किया गया था। बरिंद्र घोष अरविंद घोष के भाई थे, जबकि भूपेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के भाई। वह आगे लिखता है, समकालीन प्रकाशनों की श्रृंखला की बौछार सी आरंभ हो गई थी।
और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बेहद अशिष्ट भाषा का प्रयोग जुगांतर में किया जा रहा था। जुगांतर दल पहली बार 1907 के अंत में देखा गया। इसकी शाखाएं पूरे बंगाल में फैली हुई थी। इसके लेख बड़े ही उग्र व क्रांतिकारी थे। इसकी कुश्तियां शाखा का संचालन बाघा जतिन द्वारा किया गया। जतिन के मन में क्रांति की योजना को लेकर दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने कहा था, हमें दो कार्य करने हैं। पहला, हमें भारत की सैन्य वृत्ति पर कार्य करना है। दूसरा, हमें स्वयं को अस्त्र शस्त्र से आत्मनिर्भर बनाना होगा। हथियारों की आपूर्ति के दो रास्ते हैं, एक भारत में और दूसरा भारत के बाहर से। जो हथियार हमें भारत से प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें हमें सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। जो हथियार बाहर से आएंगे, उनका हमें और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हम पर निगरानी है, लेकिन हमें समर्थ बनना होगा कि हम निगरानी से बचें। वर्ष 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में स्वराज को मूल लक्ष्य के रूप में स्वीकारा गया। इस अधिवेशन में अरविंदो भी मौजूद थे। एक अन्य मंत्रणा सभा 1907 में संपन्न हुई, जिसमें तीन चरण वाले क्रांतिकारी कार्यक्रम को स्पष्ट किया गया। प्रथम, व्यक्तिगत रूप से शहादत को प्रस्तुत दस्ता बनाना। दूसरा, गोरिल्ला दस्ते की सुरक्षा। तीसरा, आंदोलन को जन जन तक पहुँचाना। इसी समय अरविंदो के भाई बरिंद्र ने बम बनाने का निश्चय किया। वह क्रांति के लिए अधीर हो रहे थे। वह कुछ कर गुजरने को उतारू थे। उनकी रुचि सैद्धांतिक वार्ताओं में कम थी। बरिंद्र घोष ने जतिन के साथ मिलकर देवघर में एक बम फैक्ट्री की स्थापना की। वर्ष 1907 का एक दिन बरिंद्र, चारूचंद्र दत्ता व प्रफुल्ल चाकी जतिन के दार्जिलिंग स्थित आवास पर पहुंचे। जतिन की परीक्षा लेने के उद्देश्य से बरिंद्र ने उनसे कहा, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर की हत्या करनी है और इस काम में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जतिन ने उन्हें भविष्य के लिए आश्वासन देते हुए कहा कि इस कार्य के लिए अभी उचित समय नहीं है। तब बरिंद्र ने जतिन पर कटाक्ष किया, अवश्य, किसी सरकारी कर्मचारी से इससे ज़्यादा हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते। असल में जतिन यह नहीं चाहते थे कि जल्दबाजी में वे कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे ब्रिटिश हुकूमत के सामने उनके दोहरे व्यक्तित्व का पर्दाफाश हो जाए। 1908 की शुरुआत तक जतिन ने दार्जिलिंग में कई दलों की स्थापना कर ली थी। उनके द्वारा बांधव समिति की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कि लोगों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया जाए। अप्रैल 1908 की बात, बाघा जतिन अपनी पत्नी इंदु बाला, बहन विनोद बाला व पुत्री आशा लता के साथ ट्रेन से दार्जिलिंग जा रहे थे। ट्रेन के डिब्बे में एक यात्री बीमार था और पानी पानी चिल्ला रहा था। जतिन मदद हेतु जल का पात्र लेकर प्लेटफॉर्म पर पानी भरने के लिए उतरे। वहीं पर अंग्रेजी सेना के अधिकारियों की टोली बार बार ट्रेन से चढ़ उतर रही थी और सदैव की भांति भारतीयों के साथ अभद्रता करते हुए उनके पांवों को अपने भारी बूटों से कुचल रहे थे। यात्री उनकी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो इसकी आदत पड़ चुकी थी। जतिन जब पानी लेकर आ रहे थे तो अनजाने में वे अंग्रेज से टकरा गए। एक अन्य अंग्रेज ने जतिन पर चाबुक चला दिया। पीछे मुड़कर जतिन ने उसे घूरा और फिर चुपचाप जल का पात्र देने के बाद वहां वापस लौटे। उन्होंने अंग्रेजों से पूछा कि आखिर किस कारण उन्होंने उन्हें चाबुक से मारा। अंग्रेजों को यह बर्दाश्त ना हुआ कि एक काला आदमी उनसे सवाल जवाब करे। उनमें से एक ने फिर अपना चाबुक जतिन पर घुमाया, पर इस बार जतिन ने चाबुक को हाथ में थाम लिया। तभी एक दूसरे अंग्रेज ने जतिन को मारने के लिए घूंसे का प्रहार किया। जतिन ने बड़ी फुर्ती से उस घूंसे से स्वयं को बचाया और पलटकर एक जोर का घूंसा उसे जड़ा। घूंसा इतना करारा था कि वह अंग्रेज उछलकर प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। एक दूसरे अधिकारी ने जतिन पर चाकू से प्रहार करने की नाकाम कोशिश की। बदले में जतिन ने उसे इतनी जोर लात मारी कि वह धराशायी हो गया। इस तरह जाबाज जतिन ने अकेले ही उन सेना के अधिकारियों को चारों खाने चित कर दिया। कुछ देर बाद वहां अंग्रेजी पुलिस आ पहुंची और जतिन को गिरफ्तार कर लिया।
जतिन ने पुलिस से कहा, उन्हें जेल जाने का कोई भय नहीं है, लेकिन वे बंगाल सचिवालय के कार्यालय को सूचित कर दें कि वह कल कार्यालय नहीं आ सकेंगे। जतिन की गिरफ्तारी के फलस्वरूप विरोध में कई जगह प्रदर्शन हुए। केस अदालत पहुंचा। अदालत में पूछा गया कि एक निहत्थे व्यक्ति ने सेना के सशस्त्र अधिकारियों के दल को इस हद तक कैसे पीट डाला कि उनके जबड़े की हड्डियां टूट गईं। शर्मिंदा होकर व फजीहत के डर से उनके वकील ने केस वापस ले लिया, किंतु जज ने जतिन को भविष्य में सभ्याचरण की सीख दी। इसके प्रतिउत्तर में जतिन ने कहा, वह यह आश्वासन नहीं दे सकते कि वह ऐसे आचरण से भविष्य में परहेज करेंगे। यदि कोई उनके अधिकार का हनन करेगा या उनके देश के नागरिक को अवैधानिक रूप से क्षति पहुंचाएगा। इस घटना के बाद एक दिन मजाक में हेनरी व्हीलर ने जतिन से पूछा, ये बताओ जतिन, उत्तेजित होने पर तुम एक समय में कितने व्यक्तियों का सामना कर सकते हो? जतिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ईमानदार व्यक्तियों के संदर्भ में मैं एक व्यक्ति का भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यदि उनकी गलती हो तो मैं पूरी फौज का भी मुकाबला कर सकता हूँ। वर्ष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी व गर्मपंथी आमने सामने थे। गर्मपंथी इस अधिवेशन को नागपुर में आयोजित कराना चाहते थे और वे चाहते थे कि इसका नेतृत्व भी कोई गर्मपंथी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय करें, किंतु नरमपंथियों ने इससे साफ इनकार कर दिया। नरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन को वापस लेने की भी वकालत शुरू कर दी और अधिवेशन को सूरत में आयोजित कराकर रास बिहारी घोष को उसका अध्यक्ष घोषित कर दिया। अतः इस अधिवेशन में कांग्रेस में दो फाड़ हो गए। गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया। इस दौरान हिंसक वारदातों का भीषण दौर चला। 6 दिसंबर 1907 को लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की गई, किंतु यह प्रयास असफल रहा। मार्च के आरंभ में चंद्रनगर के मेयर एल टार्डीवेल को कत्ल करने का प्रयास किया गया, किंतु यह प्रयास भी असफल रहा। इसी समय एक अनहोनी घटना घटी। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे भारतीयों को मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिए थे। जुगांतर समिति की एक बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। यह कार्य खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, किंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गया और बम उसी से मिलती जुलती हुई दूसरी गाड़ी पर पड़ा। बम मारने के बाद उसी रात खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी नंगे पांव करीब 24 मील पैदल दौड़ते हुए वैनी वर्तमान पूसा रोड स्टेशन पहुंचे। वहां थोड़ा आराम के लिए रुके और वहीं रेडियो पर समाचार सुनने लगे। सूचना सुनी कि किंग्सफोर्ड बच गया। अचानक उनके मुँह से निकला, अरे बच गया। वहां तैनात एक रेलवे कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी। खुदीराम बोस पकड़ लिए गए और प्रफुल्ल चाकी वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए, किंतु बाद में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। 11 अगस्त 1908 को महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस भी भगवद गीता हाथ में लेकर खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। इस तरह दो महान क्रांतिकारियों का अंत हुआ। इस बम कांड में बैरिस्टर प्रिंगले की पत्नी श्रीमती कैनेडी व पुत्री ग्रेस दोनों की मृत्यु हो गई। असल में बम गलती से उस घोड़ा गाड़ी पर पड़ा था जिसमें ये दोनों बैठी थी। बैरिस्टर प्रिंगले ने ही जतिन को प्राथमिक रूप से अपने सचिव के रूप में नियुक्त किया था और फिर उनके ही प्रयासों से जतिन को व्हीलर के सहयोग से सचिवालय में नौकरी मिली थी। श्रीमती कैनेडी व उनकी पुत्री से वह कई बार मिले भी थे। अतः जतिन को भी इस घटना पर दुख हुआ। इस हत्याकांड के बाद पुलिस की सरगर्मियां तेज हो गई। लगभग 33 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सम्राट बनाम अरविंद घोष व अन्य और सामान्य बोलचाल की भाषा में अलीपुर बमकांड को अदालत में आरंभ किया गया। मई 1908 और मई 1909 के बीच कलकत्ता के अलीपुर सत्र न्यायालय में मुकदमे का आयोजन हुआ। मई 1909 को इसका निर्णय आया। श्री अरविंदो को सबूतों के अभाव में बिना शर्त रिहा कर दिया गया, किंतु क्रांतिकारी उपेन बैनर्जी
हेमराज व उल्लासकर दत्ता इत्यादि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, कुछ को फांसी भी दी गई। अलीपुर बमकांड के एक कैदी ने जतिन का भी शीर्ष नेता के रूप में नाम लिया था, किंतु इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के पास जतिन की संलिप्तता के कोई सबूत ना थे। अभियुक्तों के बचाव के लिए धन की ज़रूरत को देखते हुए जतिन ने सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियों के प्रत्युत्तर स्वरूप कुछ क्रांतिकारी कार्यों को मार्च 1908 व अक्टूबर 1909 के बीच अंजाम दी। जतिन द्वारा एक रासायनिक कार्यशाला भी कृष्णनगर में चलाई जा रही थी। उस समय सभी क्रांतिकारी पोटेशियम साइनाइड अपने पास रखते थे ताकि वे जिंदा अंग्रेजों की पकड़ में ना आ सके। अलीपुर केस से संबंध रखने वाले क्रांतिकारियों ने 4 हत्याओं को निडरता से अंजाम दिया। इनमें थी नवंबर 1908 में नरेन गोसाई की हत्या, जिसने इकबाले जुर्म कर लिया था। दूसरी थी प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार करने वाले सब इंस्पेक्टर नंदलाल बैनर्जी की हत्या, जो कि कलकत्ता की सड़क पर की गई। तीसरी फरवरी 1909 में लोक अभियोजक आशुतोष बिश्वास की उच्च न्यायालय परिसर में हत्या। चौथी थी 24 जनवरी 1910 को इंस्पेक्टर शमसुल आलम की कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर में गोली मारकर हत्या। शमसुल आलम आशुतोष बिश्वास के साथ मिलकर अभियुक्तों का गुनाह साबित करने में लगा हुआ था। ऐसा लगने लगा था कि अरविंदो को दोबारा मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया जा सकता है। तब जतिन ने सतीश सरकार व बीरेंद्र नाथ दत्त को उसकी हत्या करवाने की अनुमति दे दी। क्रांतिकारी बीरेंद्र ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। शमसुल आलम की हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार में हड़कंप मच गया। शक के आधार पर कई गिरफ्तारियां हुईं। शक की सुई जतिन की ओर भी थी, अतः संदेहास्पद परिस्थितियों में जतिन को 27 जनवरी 1910 को चार्ल्स टेगर्ट द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उधर गिरफ्तार वीरेंद्र ने अपना बचाव करने से इनकार कर दिया। वीरेंद्र को जेल में हथकड़ी व बेड़ियां पहनाकर लातें मारी गईं, कोड़ों से पीटा गया, बाल पकड़कर खींचा गया, उन्हें बर्फ के नीचे घंटों लिटाया गया, किंतु वे दुष्ट इन अमानवीय यातनाओं के बावजूद वीरेंद्र के मुंह से कुछ भी उगलवा ना सके। तब अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा। पुलिस ने 19 फरवरी को वीरेंद्र को एक जाली राष्ट्रवादी अखबार की प्रति दिखाई, जिसमें वीरेंद्र को एक भगोड़े के रूप में दिखाया गया था। ऐसा देखकर वीरेंद्र के मुंह से अनायास ही फूट पड़ा, मुझे दुनिया की राय की 2 पैसे की भी परवाह नहीं, जहां तक जतिन के विषय में मेरी वफादारी का प्रश्न है। यद्यपि जतिन के विरुद्ध अभी भी अंग्रेजों के पास कोई सबूत ना थे, किंतु इस बात से अंग्रेज समझ गए थे कि जतिन सरकार में रहते हुए क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं। वीरेंद्र दत्त को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई गई। 21 फरवरी 1910 को अमर शहीद वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। शमसुल आलम की हत्या के फलस्वरूप ऐतिहासिक हावड़ा षड्यंत्र कांड की सुनवाई मार्च 1910 को आरंभ हुई। बाघा जतिन सहित अन्य क्रांतिकारियों पर राजद्रोह का केस चला। 21 फरवरी 1911 को सुनवाई समाप्त होने के 3 माह पूर्व बाघा जतिन को रिहा कर दिया गया और लगाए गए आरोपों से भी वे मुक्त हो गए, किंतु उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जा चुका था। नौकरी छूटने के बाद बाघा जतिन को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, जबकि क्रांतिकारी कार्यों के लिए धन की नितांत आवश्यकता थी। इस दौरान जतिन ने व्यापार आरंभ किया। इस दौरान सरकार द्वारा उन पर नज़र रखी जा रही थी। अपना मुख्यालय झेनिदा में बनाने के पश्चात उनके द्वारा रेलवे के ज़मीनी कार्य किए गए। जतिन द्वारा एक पुल निर्माण कार्य भी संपन्न कराया गया। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जतिन को कमांडर इन चीफ मानते हुए जनरल स्टाफ का गठन करने के लिए मंत्रणाओं का दौर शुरू हुआ। क्रांतिकारियों ने 50 माउजर पिस्तौल व 46,000 राउंड गोलियां रोडा एंड कंपनी के गोदाम से लूट ली। यह एक ब्रिटिश कंपनी थी और कलकत्ता में हथियार बनाने का कार्य करती थी। जतिन ने आनन फानन में 45 माउजर पिस्तौलों को बंगाल की 9 क्रांतिकारी इकाइयों में गोलियों के साथ वितरित कर दी। उनका उपयोग 54 डकैती व अनेक राजनीतिक हत्याओं के लिए किया जाना भी सुनिश्चित किया गया। यह डकैती विपिन गांगुली ने सुनियोजित ढंग से की थी।
इन्हीं घटनाओं के कुछ समय पूर्व ही 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में आधिकारिक रूप से गदर पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। गदर क्रांतिकारियों ने भारत वापस आकर विद्रोह की शुरुआत की। इसी समय बहुत सारा गोला बारूद व हथियार भी ये लोग भारत में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी व ब्रिटेन आमने सामने थे, अतः इन लोगों ने जर्मनी से भी सहायता ग्रहण की। इस दौरान गदर क्रांति के सदस्य विष्णु गणेश पिंगले की जतिन के साथ कई बार वार्ता हुई। उनके द्वारा करतार सिंह व राजबिहारी बोस को भी संदेश भेजा गया। 1 दिसंबर 1915 को महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में प्रांतीय सरकार के रूप में भारतीय सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार में महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति थे। जतिन ने अपने साथियों के साथ दुलरिया नामक स्थान पर डकैती डाली। इस दौरान अपने ही दल के एक सहयोगी की गोली से क्रांतिकारी अमृत सरकार घायल हो गए। विकट समस्या यह खड़ी हुई कि धन लेकर भागें या साथी के प्राणों की रक्षा करें। उस महान सपूत ने जतिन से कहा, मेरा सर काट कर ले जाओ ताकि अंग्रेज हमें पहचान न सके। 12 फरवरी 1915 को जतिन व उनके साथियों ने गार्डन रीच पर डकैती डालकर 18,000 रुपये लूट लिए। पंजाब में 21 फरवरी को 23वीं कैवलरी के सैनिकों ने अपने अफसरों को मार डाला, किंतु उसी रेजिमेंट के एक विद्रोही सैनिक के भाई कृपाल सिंह ने गद्दारी कर दी। उसने योजना को अंग्रेजों के सामने उजागर कर दिया। उस गद्दार के चलते सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। ब्रिटिश सरकार ने दबिशें डाली और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राजबिहारी बोस बचकर 12 मार्च 1915 को जापान चले गए। 21 फरवरी की राजबिहारी की योजना असफल हो गई थी, अतः जतिन ने क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से बलिया घाट डकैती की और 2,000 रुपये लूट लिए। 24 फरवरी को पथौरिया घाट सड़क के एक मकान में एक अजनबी दाखिल हुआ। उसने जतिन का नाम पुकारा। नरेन भट्टाचार्य, चित्तप्रिय राय, विपिन गांगुली व अन्य क्रांतिकारी समझ गए कि यह पुलिस का मुखबिर है। उसे गोली मार दी गई। वह पुलिस का मुखबिर नीरद हलधर था। मरते मरते उसने पुलिस को बताया कि जतिन ने उसे गोली मारी है। 28 फरवरी को अंग्रेजों के चाटुकार पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश मुखर्जी की हत्या कर दी गई। अब ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से बौखला गई। वह जतिन को पागल कुत्तों की तरह ढूंढने लगी। बाघा जतिन को फरार मुजरिम करार देते हुए कलकत्ता की गलियों में इनामी इश्तहार चिपका दिए गए। पिंगले को 23 मार्च को बमों से भरे एक संदूक के साथ गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। सियालदाह स्टेशन के करीब आर्य निवास आवास गृह में जतिन द्वारा क्रांतिकारियों की एक मंत्रणा हुई। इसमें तय हुआ कि कुछ क्रांतिकारी नेताओं को जर्मन प्रतिनिधियों के पास भेजा जाए। एसएस मावेरिक जहाज बतावया में रुका था। क्रांतिकारियों ने सुझाया कि जतिन को सुरक्षा कारणों से जर्मनी चले जाना चाहिए। इस समय उनका भारत में रहना खतरनाक है, किंतु जतिन ने भारत छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया और उन्होंने भारत में ही रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की हामी भरी। अब बाघा जतिन और भी सावधानी पूर्वक भूमिगत होकर क्रांतिकारी कार्यों को अंजाम देने लगे। यद्यपि जतिन पूरे दिल से क्रांतिकारी कार्यों के प्रति समर्पित थे, किंतु कहीं न कहीं अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को ना निभा पाने के कारण वह अंदर से दुखी थे। वे अपने गुरु भोलानाथ गिरी से मिले और उन्हें अपनी मनोस्थिति से अवगत कराया। जतिन ने अपने एक साथी से कहा था, मछली फांसने के बड़े खेल में बड़ी मछलियां चारे व कांटे को अपने मुंह में लेकर ही भाग जाती हैं और वह कांटा रात दिन उसके मुंह व गले में ही फंसा रहता है। ऐसा ही मेरे साथ भी है। मेरे गले में भी एक कांटा है। मैं ऊपर से भले ही बेफिक्र नजर आता हूं, किंतु एक स्थायी अपराध बोध को मैं अपने पत्नी व बच्चों के विषय में महसूस करता हूं। गुप्त रूप से यह भावना मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाती है, मेरे दृढ़ इरादे के बाद भी। और मैं जब मृत्यु को प्राप्त करूं तो तुम सभी भाइयों को मेरे परिवार का ध्यान रखना होगा। आज अंततः गुरुजी ने मेरे गले में फंसा वेदना का कांटा निकाल दिया है और मुझे प्रेरणा दी है कि मैं पूरी आज़ादी के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ूं। और मुझे यह भी स्मरण कराया है
कि ईश्वर ने जिन्हें पृथ्वी पर भेजा है वह सदैव उनका ध्यान रखेगा। भला मैं उनकी चिंता करने वाला कौन होता हूँ। उस समय उनके बच्चों की उम्र आशा लता की उम्र महज 8 वर्ष, तेजेंद्र 5 वर्ष व वीरेंद्र महज 2 वर्ष का था। फिर भी वह भारत माता का अमर सपूत सब कुछ भूलकर देश की सेवा में लगा रहा। अज्ञातवास में जतिन ने कुछ वक्त कपटीपाड़ा में बिताया और फिर अपने साथियों के साथ बालासोर गए। भूपति द्वारा इस समय की एक रोचक घटना का जिक्र किया गया है, जो इस प्रकार है। जब रेल द्वारा सफर किया जा रहा था तो अगले ही स्टेशन पर 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति चढ़े और उनके द्वारा जतिन तथा नरेन जहाँ बैठे थे उस सीट की मांग की गई। उन्होंने जब मना किया तो आगंतुक यात्रियों ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हम पांचों के पास पिस्तौल रिवॉल्वरें थीं। हम सभी उत्तेजित थे, किंतु जतिन संयत बने रहे और उनके द्वारा संकेत दिया गया कि हम अपने स्थान से 1 इंच भी न खिसकें और न ही प्रतिउत्तर में कोई शब्द कहें। फिर परेशानी युक्त हिंदी व बंगाली की खिचड़ी भाषा में जतिन द्वारा हुजूर लोगों से क्षमा मांगते हुए कहा गया कि वे उत्तेजित न हों, यह हमारा कर्तव्य है कि वह जहाँ बैठना चाहें उन्हें बैठने दिया जाए और हम तो स्थानीय लोग हैं, हम तो एक सीट पर ही कई लोग बैठ सकते हैं यदि वे ऐसा चाहते हैं। आगंतुक यात्री खड़गपुर में उतर गए। जतिन ने मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम इस बात के लिए शर्मिंदगी अनुभव नहीं करते कि इतना शीघ्र संयम खो देते हो। मैं अकेले दम पर ही उन्हें कंपार्टमेंट से उठाकर फेंक सकता था, लेकिन हमारा महान उद्देश्य व हमारा गुप्त अभियान पूर्णतया नष्ट हो जाता यदि हम अपना संयम खो देते। यह घटना हमें बताती है कि बाघा जतिन मानसिक, शारीरिक व आत्मिक बल का एक बेजोड़ संगम थे। वह एक असली नायक थे। पलायन किए हुए अब कई माह गुजर चुके थे। आशुतोष दास के अनुसार जतिन गेरवे लबादे में पंजाबी संत के समान नजर आते थे। उनका निवास स्थल एक आश्रम बन गया था। उनके निवास स्थल की दिनचर्या के विषय में मनीन्द्र चक्रवर्ती ने लिखा था, हर 2-4 दिनों में लगभग 15 व्यक्तियों का जत्था उनके पास आता था और 1-2 दिन रुकने के पश्चात लौट जाता। उन दिनों मैंने देखा कि उनके बैठक के कक्ष में कोहनी की ऊंचाई तक के सोने के सिक्कों के ढेर पड़े रहते थे। उनके द्वारा मुझसे कहा गया था कि वह चाहे तो 1-2 मुट्ठी भरकर अपने उपयोग हेतु ले ले, लेकिन मैंने यह ज़्यादा उपयुक्त समझा कि मेरे देश के खून पसीने की कमाई देश के कार्यों में ही प्रयुक्त। बाघा जतिन व उनके साथियों ने योजना बनाई कि जर्मनी से जो हथियार आएंगे वे अप्रैल 1915 में उड़ीसा के बालासोर तट पर उतरेंगे। हथियारों के खेप मंगाने के लिए एक फर्जी कंपनी यूनिवर्सल एम्पोरियम भी बना ली गई। इस बात की भनक एक चेक जासूस एम्यूनल विक्टर वोस्का को लग गई। उसने हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई। 1914 से लेकर 1917 तक के इस दौर को इतिहास में हिंदू जर्मन प्लॉट या षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए चलाया गया यह अखिल भारतीय विद्रोह था। अगर यह योजना सफल हो जाती तो हमारा देश तभी आज़ाद हो गया होता। इस संबंध में चेक गणराज्य के ही रॉस हेडविक ने बाद में लिखा था, अगर इस प्लान में एम्यूनल विक्टर वोस्का न घुसता तो किसी ने भारत में गांधी का नाम तक न सुना होता और राष्ट्रपिता बाघा जतिन को कहा जाता। अब ब्रिटिश पुलिस द्वारा क्रांतिकारियों की धरपकड़ की गतिविधियां और तेज हो गईं। 6 सितंबर की शाम को किल्बी अपने साथियों के साथ कपटीपाड़ा पहुंचा। दूध वाले ने जतिन को बताया कि डाक बंगले में कुछ अंग्रेज आकर ठहरे। जतिन शीघ्र ही अपने साथियों के साथ शरण स्थल की खोज में वहां से निकल गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा था, अतः उन्होंने पैदल ही जंगल के मार्ग से कलकत्ता जाने का निश्चय किया। ब्रिटिश सरकार ने इन पर इनाम घोषित कर जगह जगह इश्तहार चस्पा किए थे, अतः ग्रामीण लोगों के दलों ने इन क्रांतिकारियों का पीछा करना आरम्भ कर दिया। पुलिस द्वारा प्रायोजित अफवाहों के कारण ग्रामीणों ने उन्हें ऐसे डकैत समझा था जिन पर भारी इनाम घोषित था। लोग दलों में उनके पीछे थे और डकैत डकैत चिल्ला रहे थे।
ये विडंबना ही थी कि जिन देशवासियों की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, अफवाह व कुछ धन की लालच में अब वही उनके खून के प्यासे थे। 3 दिन से ज़्यादा का समय और निरंतर जारी बरसात के मध्य कीचड़ से लथपथ झाड़ियों वाले इलाके में वे भूख प्यास से व्याकुल दिशाहीन बढ़े जा रहे थे। उधर दूसरी तरफ सशस्त्र पुलिस पागल कुत्ते की तरह उनकी खोज में लगी हुई थी। जंगलों में छानबीन के लिए हाथी भी मंगाए गए थे। 9 तारीख को किल्बी व सार्जेंट विलियम रदरफोर्ड को पता चला कि 5 अनजान बंगाली लोगों को ग्रामीणों ने देखा है और उनके पास हथियार भी हैं। किल्बी रदरफोर्ड व अन्य पुलिस जवानों के साथ उनकी तलाश में निकल पड़ा। मेदेनीपुर ट्रंक रोड पर पहुंचने के बाद एक पुलिसकर्मी से मालूम हुआ कि वे लोग जंगल में किसी स्थान की ओर गए। किल्बी ने पुलिसकर्मियों को 2 टुकड़ियों में बांटा और दोनों दल खोजबीन में लग गए। एक चपरासी की साइकिल लेकर किल्बी आगे बढ़ा, उसके पीछे पैदल पुलिस थी। वे लोग उस स्थान के बेहद निकट पहुंच गए जहां क्रांतिकारियों ने शरण ली थी। किल्बी ने गोली दागी, प्रत्युत्तर में क्रांतिकारियों ने भी गोली चलाई। गोलियों की आवाज़ सुनकर रदरफोर्ड भी अपने दल के साथ वहां आ पहुंचा। चितप्रिय ने खड़े होकर एक अधिकारी के सिर को निशाना बनाना चाहा, लेकिन तभी सामने से एक गोली उनके जबड़े व गले को भेदते हुए पार निकल गई। वे धरती पर गिर पड़े। जतिन ने चितप्रिय के सिर को अपनी गोदी में रखकर गोलियां चलाना जारी रखा। दोनों तरफ से गोलियां चल रही। तभी एक गोली जतिन के पेट के निचले भाग को घायल कर गई। बाघा जतिन अब समझ गए कि मेरी मृत्यु निकट है, अतः अपने बचे हुए 2-3 साथियों को व्यर्थ में मरवाना उचित नहीं। तब उन्होंने अपने साथियों को सफ़ेद चादर पहराकर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। पुलिस द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। जतिन गोली की जलन से व्याकुल होकर पानी मांग रहे थे। उनके एक साथी ने पास के नाले से चादर भिगोकर उनके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाली। किल्बी ने जब ये देखा तो वह भी जतिन के लिए अपनी टोपी में पानी भरकर लाया। किल्बी ने व्यवस्था की कि मृत चितप्रिय व घायलों के लिए पलंग लाई जाए। फिर उन्हें बालासोर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। क्रांतिकारियों के पास कुछ कागजों का बंडल व एक जहर की शीशी भी प्राप्त हुई। 9 सितंबर की रात्रि 11 बजे भागा जतिन को आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया। उनका ऑपरेशन किया गया। किल्बी भी उस समय वहां मौजूद था। जतिन ने उनसे कहा, याद रखें, बंगाल में अब तक जो भी हुआ है उसके लिए एकमात्र मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे साथी बेगुनाह हैं, वे बच्चे हैं और मेरे हाथों के शस्त्र बने हुए थे। कृपया ध्यान रखा जाए कि उनकी रिहाई हो जाए। याद रखें, बंगाल में अब तक जो भी हुआ है उसके लिए एकमात्र मैं ही जिम्मेदार हूँ। कुछ समय पश्चात जतिन को फिर खून की उल्टी आई और वे बोल पड़े, कमाल है, अभी भी इतना खून बच रहा है। सौभाग्य से इसकी प्रत्येक बूंद भारत माता की पूजा के लिए काम में आई है। इसका अंत कभी भी नाकामी के रूप में नहीं होगा। 10 तारीख की प्रातः किल्बी टेगर्ड, डेनहम व रीलैंड जतिन के कक्ष में दाखिल हुए। जतिन ने कहा, मैं पुनः भेंट से खुश हूँ। चितप्रिय अब नहीं रहा, मैं भी कुछ समय में चला जाऊँगा, लेकिन दूसरे लड़कों का ध्यान रखना, ध्यान रखना कि उनके साथ न्याय हो। टेगर्ड ने पूछा कि क्या कुछ और कहना है। जतिन बोले, नहीं, धन्यवाद, सब हो गया, शुभ विदा। जतिन की मृत्यु पर उनकी देखभाल कर रहे डॉक्टर गांगुली ने कहा था, उनकी मृत्यु के समय उनकी अधरों पर मुस्कान थी। मेरे देश के कितने लोग अपने जीवन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जतिन का अनुसरण कर पाते हैं। एक नायक ने अपनी मातृभूमि के लिए अप्रतिम बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया। कितने देशवासी ऐसा कर पाते हैं। हम साधारण जन विलक्षण मनुष्य की मृत्यु पर चमत्कृत ही हो सकते हैं। बाघा जतिन की मृत्यु की खबर पाकर श्री अरबिंदो ने कहा था, शक्ति हमसे पृथक हो गई है।
बाद में डेनहम ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए लिखा था। संभवतः जतिन मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारियों में सबसे बेखौफ व खतरनाक क्रांतिकारी थे। अदालती कार्यवाहियों में जतिन के विषय में कहा गया था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि विश्व का नेतृत्व कर सकता था। बाद में उनके साथियों मनोरंजन सेन व नरेंद्र दास को फांसी की सजा हो गई तथा ज्योतिष को आजीवन काले पानी की। यह देश का दुर्भाग्य ही है कि ऐसे महान क्रांतिकारी, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लिया, उनके नाम से भी देश के कितने लोग ही परिचित हैं। फिल्मी जगत के उन सस्ते नकली हीरो के नाम तो छोटे छोटे बच्चों की जबानों तक रटे होते हैं, किंतु इन असली महान नायकों को हम जानते तक नहीं। आखिर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी नींव ही खोखली हो, उस पर कभी भव्य इमारत नहीं बनती। हमारे आदर्श तो देखिए आज कैसे लोग बने बैठे हैं। किसी भी देश अथवा समाज के लिए यह मानसिकता उचित नहीं है। आज हमें बाघा जतिन जैसे महान क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऐसे महाबलिदानी महान क्रांतिकारी को मेरा शत शत नमन।